पुरानी संसद से पीएम मोदी की आखिरी बड़ी बातें। मेरे देशवासियों के पसीने, मेहनत और पैसे से बना है ये संसद। नई इमारत में जाने का मतलब ये इमारत भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। नई संसद भारतीय लोकतंत्र की यात्रा की एक मजबूत और महत्वपूर्ण कड़ी है। नई संसद दुनिया को भारत के लोकतंत्र की परिभाषा बताती रहेगी। आज भारत की छवि दुनिया भर में बदली है। आज दुनिया भारत के चंद्रयान 3 की सफलता से भारत की ताकत देख रही है। ये देश के वैज्ञानिकों को बधाई देती है। भारत ने G20 की मेजबानी की और ये सफलता किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों की है। देश ने मुझे इतना सम्मान और तवज्जो दी जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। देश में सभी ने कड़ी आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन ये संसद की शक्ति है जो परिवार जैसी भावना पैदा करती है। बहुत कठिनाइयां थी, लेकिन इसके बावजूद सांसद संसद में आए और निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में अपनी जिम्मेदारी। हम कोविड के दौरान भी आए और अपने कर्तव्य का पालन किया। राजेंद्र प्रसाद से लेकर रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू तक का मार्गदर्शन इस संसद को मिला है। इस संसद ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का समय भी देखा है, जिन्होंने इस देश को दिशा दी। ये संसद उन लोगों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने आतंकवादियों द्वारा संसद पर हमला किए जाने पर संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। देश की संसद की ताकत ने पूरे विश्व को गलत साबित किया और राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। बहुत बड़ा अचीवमेंट था और देश के सामान्य मानवीय का इस संसद पर विश्वास बढ़ता गया।